1 लाख रुपए महीना श्योरिटी के साथ देंगे, कोई जादू की छड़ी नहीं, फायदा देंगे फ्रेंचाइजी को भी और कस्टमर को भी। यू आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वही मशीन बना रही थी, वही चलती आ रही थी, इसलिए कभी दिमाग ही नहीं लगाया कुछ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा तेल जो देसी घी का काम करता है। आओ मैं दिखाता हूँ इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। ये हमारा 50 किलो का कट्टा है जिसमें पीली सरसों है, और ये पीली सरसों हमारी सॉर्टेक्स क्लीन होती है जिसमें किसी तरह का कंकर पत्थर मिट्टी कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना क्लीन होगा उतना अच्छा तेल निकलेगा। जो मशीन है ये हमारी जूसर मशीन है। ये पहले आपके सामने ऊपर सरसों डालेंगे, हमारी कंटिन्यूअस सरसों डलती है, एक बार में 5 किलो आप इसको कंटिन्यूअस कितना भी डाल सकते हैं, लगातार 10 घंटे मशीन चलेगी। ये छोटी मशीन आपको देखने से लग रही है जितना एक्सपेलर जैसी मशीनें कॉस्ट करती है, ये उतना ही कॉस्ट करती है। अरे वाह। इस लीवर को ऑन करते ही ये जूसर मशीन की तरह सामने तेल देना शुरू हो जाएगी विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड भी नहीं लगे, देखो आपके सामने 2 सेकंड के अंदर तेल आना शुरू हो गया। तो मतलब इतने कम टाइम में ये हाथ के हाथ तेल निकलना शुरू हो जाता है। हाथ के हाथ तेल इसलिए निकलता है, वो जो बाकी की मशीनें हैं उसके अंदर सब लोहे का वरम बना होता है, लोहे की चीजें होती है, कंबर्शन के लिए मॉइस्चर बनाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, इतनी सब सेटिंग के बाद भी उसमें सफाई नहीं होती, आप देखोगे कितना फैला हुआ होता है, लड़के के हाथ गंदे होते हैं। ये कॉम्पैक्ट साइज में इसीलिए बढ़िया मशीन बनाई है, साथ के साथ तेल देगी, कुछ नहीं करना, किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं। ये जो यहाँ पे जो खल निकल रहा है जिसे केक भी बोलते हैं, ये आप दोबारा रीयूज नहीं करने वाले हो। सबसे मेजर फैक्टर यही है कि जो हमारा ये बाय प्रोडक्ट है जिसको हम खल बोलते हैं, केक बोलते हैं, इसके अंदर 6 से 8% तेल रह जाता है, जो बाकी के एक्सपेलर या दूसरी मशीन हो गई वो मल्टीपल टाइम इसको डालकर तेल को निचोड़ लेती है, खींच लेती है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और डिफरेंट लग रही है कि यहाँ पे आप इसमें पानी नहीं मिला रहे, ऐसा क्यों? पानी तेल में तो मिक्स होगा नहीं, पानी डालना ही क्यों है। हमारी मशीन SS 304 की बनी हुई है जो फूड ग्रेड होता है, उस मशीन के अंदर लोहे के वर्म्स होते हैं जिनमें कंबर्शन की जरूरत होती है मॉइस्चर के थ्रू। अब समझो वो पानी भाप बनकर उड़ गया तो सोचो कितना गर्म हो गया होगा अंदर, तेल भी मशीन भी। तो वो तेल 80 डिग्री पे जब निकलेगा तो कैसे वो कच्ची घनी तेल है, वो पक्की घनी तेल है। और जब उसके अंदर ये खल को निकाला हुआ मल्टीपल टाइम वाला भी तेल डल गया तो वो जला हुआ तेल और मिक्स हो गया उसके अंदर। हमारा पीली सरसों का तेल ये देसी घी का काम करता है, मैं उसका कारण बताता हूँ, आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा। और कोई भी ले, हम कह रहे हैं कि देखो जब तक लोगे नहीं तब तक डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप इसका टेम्परेचर चेक करना कितना है। तो ये तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लग रहा है। और मशीनों में जो तेल निकलता है वो 80 डिग्री प्लस चला जाता है, तो वो तो बहुत हार्मफुल होता होगा। बिल्कुल हार्मफुल होता है, उसमें प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ बचती नहीं है उसके अंदर। इसको कप में आप टच करके देखो ठंडा है गर्म है कैसा है। आप किसी और मशीन पर जाओ, मैं शर्त लगा रहा हूँ, आप टच करके दिखाना। तो मैंने इसको टच करके देखा और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, 100% कोल्ड प्रेस बोल सकते हैं। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो जूसर मशीन की तरह विद इन 2 सेकंड आपको तेल देना शुरू कर दे। आप चाहे 1 लीटर मंगाओ, खुला वापसी लूंगा, पैसे नहीं लूंगा, आप ट्राई करो। यू आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वो सब बंद होने वाली है जब उसको पता चलेगा कि अगर उसमें प्रॉपर्टीज ही खत्म हो गई। मन को समझा रहे हैं बस कि हाँ सामने का निकला हुआ खा रहे हैं, वो तो बाप दादा के जमाने में चलती आ रही है, आज तक उन्होंने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वही मशीन बना रही थी, वही चलती आ रही थी, इसलिए कभी दिमाग ही नहीं लगाया कुछ। जज करें, कंपेरिजन देखें। अब हमारा जो तेल था वो बाहर का कंटेनर फिल हो चुका है, आपको दिखाने के लिए मैं इसको बंद करूंगा यहाँ से। तो अब इसे कहाँ डाला जा रहा है? अब इसको हम फिल्टर वाले कंटेनर में डाल रहे हैं जहाँ से आगे का प्रोसेस काम करेगा। ये हमारी फिल्टर मशीन स्टार्ट हो गई है। फिल्टर मशीन काम ऐसे करेगी, जिस कंटेनर में हमने तेल डाला हुआ है ये जो पाइप आया हुआ है, मोटर से अपने प्रेशर से यहाँ से तेल खींच रही है और यहाँ से प्रेशर में फेंक रही है। जैसे ही प्रेशर लगेगा ये जो कपड़े हैं ये गाद को रोक लेंगे और तेल को नीचे से इस टूटी के थ्रू यहाँ पर डाल देंगे। अब ये हमारा तेल आना शुरू हो गया है। ये हमारी 12 टैप्स हैं, 12 के 12 में से जो आपको तेल दिखाई दे रहा है ये बिना गाद का, बिना सेडिमेंट का प्योर फिल्टर तेल है। जितना भी हमारा फिल्टर होकर तेल आ रहा है टूटी से, वो सारा इस पाइप के थ्रू हमारे फाइनल कंटेनर में जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंटेनर मुझे दिख रहा है वो फाइनल कंटेनर है? बिल्कुल, ये फाइनल कंटेनर है, इसमें फिल्टर्ड ऑयल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉटल है उसकी पैकिंग शुरू हो गई है, 1 लीटर की बॉटल रहने वाली है और यहाँ पे इसमें प्योर मस्टर्ड ऑयल 260 रुपीज इसका प्राइस रहने वाला है। पूरे मार्केट में घूम लो यार, पूरे इंडिया में घूम लो, आपको इस प्राइस से सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, स्टोर पे आके भी परचेस कर सकते हो। तो मैं ये ऑयल पक्का आज अपने घर लेके जाने वाली हूँ और आज के बाद में सारे ऑयल्स को डिच करके यही वाला ऑयल यूज करने वाली हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम है मोहित गुप्ता, हमारे ब्रांड का नाम है सात्विक काया। हम जो दे रहे हैं आपको प्योर प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे आपकी जो काया है, बॉडी और सोल है, वो सात्विक बनेगी। मुझे जो आखिरी सवाल है वो ये, सारी की सारी जो ऑयल की वीडियोस होती है उनपे सबका एक नॉर्मल सिंपल सा कमेंट होता है कि यार हमें भी ये काम शुरू करना है, इस व्यापार में क्या लागत लगती है, इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी नॉलेज चाहिए और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा काम है इसमें 6 से 8 लाख रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, बस इतने की। बिल्कुल। तो इसमें सारा हो जाएगा या ऊपर से कुछ अलग से भी लगेगा? इसमें मशीनरी की भी कॉस्ट आ गई, आपके रॉ मटेरियल की भी कुछ कॉस्ट आ गई, हम जो अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स देंगे वो भी आ गए। तो ये तो बहुत रीजनेबल है। बिल्कुल रीजनेबल है, आप मार्केट में सर्च करो, 8 से 10 लाख रुपए में आज के टाइम में एक किराना की दुकान नहीं खुलती है।
जिससे आप 30,000 रुपए कमा पाओगे। लेकिन आपके पास कोई रिटर्न की गारंटी है? बिल्कुल, हम आप इसमें श्योरिटी देते हैं। हम आपको क्या करेंगे, जितना भी आपका स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर आपका डिलीवरी मैनेजमेंट तक, लेबर रखने तक। अब मैं आपको एक मेजर पॉइंट बताता हूँ, आप खुद भी ये काम शुरू कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी मशीन लगा लो, खुद कर लो, रॉ मटेरियल ले आओ। लेकिन सबसे मेन बात यह है, आप उसको सेल कैसे करोगे? जब आपकी सेल ही नहीं होगी तो आप मुनाफा कैसे कमाओगे? जो आपने पैसा लगाया उसका रिटर्न कैसे लोगे? अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारी फ्रेंचाइजी लेते हो, जितना पैसा हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे पूरा पैसा एडवांस नहीं लेंगे, हम आपकी सेल खुद बढ़ाकर देंगे। जिस दिन आपकी फ्रेंचाइजी आप अपने एरिया में खोलोगे, उससे पहले आपके पास एडवांस ऑर्डर होंगे। अगर एडवांस ऑर्डर नहीं होंगे, जितने बुकिंग अमाउंट दिया उससे डबल मैं वापस करूंगा। मुझे बताइए, अगर कोई आपके शॉप पे आना चाहता है सात्विक काया में, तो मुझे एक बार लोकेशन और टाइमिंग बता दीजिए। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे सात्विक काया, आपको यहाँ का लोकेशन, एड्रेस, वेबसाइट की डिटेल्स, हर चीज आपको वहीं मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हो, और हमारे यहाँ पर एड्रेस देखकर विजिट भी कर सकते हो। आप 1,000-1,500 का सामान लो, 1,500 तक का सामान लेने पर हम आपको भेजेंगे, आप पहले ट्राई कीजिए, फिर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डिटेल नॉलेज देंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। देखो, हमारा मोटिव ये है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर को भी बेनिफिट देना, कस्टमर को भी बेनिफिट देना, और सबको हेल्दी रखना। आप प्रोडक्ट को यूज करके भी देखो, तभी आपको विश्वास होगा, तब आपका इंटरेस्ट बनेगा, तब आप काम हमारे साथ शुरू करिए। सारा बर्डन हमारा, आपको सिर्फ बैठना है, पैकेजिंग पे ध्यान रखना है, डिलीवरी का ध्यान रखना है, और अपना मंथली फिक्स इनकम लेना है। विश्वास करो, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।